हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक क्लचर, एक रबर बैंड से 10 11 12 शायद है ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल। तो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फर्स्ट हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से क्लचर लगाना है पोनीटेल बना के, एंड बैक में ले जाके एक छोटा सा पतला सा रबर बैंड लेना है, एंड पार्ट पे लगाना है, इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, एक्स्ट्रा हेयर को हाइड करते हुए एक्स्ट्रा पोनीटेल के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करना है और यू पिन से इसको सेट कर देना है। तो ये है हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल सिर्फ एक क्लचर की मदद से। तो कैसा लगा आपको? और इसमें अगर पल्ला सेट करना है तो आपको इस तरीके से पल्ला रखना है एंड यू पिन से सिक्योर कर देना है, यू पिन से सिक्योर कर देना। आप कितना भी जाओ, कितनी भी तेज हवा चल रही है, आपका जो पल्ला है आपके सिर से नहीं गिरेगा। तो ये मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल था। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से क्लचर को निकाल लेना है, एंड आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से दोबारा से क्लचर को इसके ऊपर रख लेना है, एंड इस तरीके से इसको ट्विस्ट करके क्लचर के चारों तरफ इस तरीके से लपेटना है टू पार्ट्स में ट्विस्ट करके, और यू पिन से सिक्योर कर देना है। ये भी काफ़ी ईजी है और काफ़ी जल्दी आप इसको बना लोगे। तो ये थे साड़ी के साथ दो ब्यूटीफुल से बन हेयर स्टाइल, जो कि आप इजीली बना के मार्केट शॉपिंग के लिए जा सकते हो और पल्ला सेट कर सकते हो। इस पर आपका पल्ला बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल के साथ। उससे पहले आप इसको देखिए कैसे पिन लगाया है मैंने। अब आप आराम से कहीं भी शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हो। नई नवेली दुल्हन के लिए ये बन काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी कम्फर्टेबल रहेंगी आप। तो इसको मैंने बनाने के बाद से गई थी मैं थोड़ा सा मार्केट, फिर वहाँ पर हम लोग गए थे रेस्टोरेंट, फिर हमने कुछ खाया यहाँ पर डोसा वगैरह। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में कॉम कर लेना है और एक पोनी बना लेनी है। रबर बैंड तो जरूरी है सारे हेयर स्टाइल के लिए, तो इस तरीके से मैं पोनी बना रही हूँ। पोनी बनाने के बाद हमको करना क्या है, एक दोबारा से पतला रबर बैंड लेना है एंड इस तरीके से लगा देना है, सेंटर से इसमें हॉल करना है और सारे बालों को उल्टा निकाल लेना है। उसके बाद से इसको इस तरीके से बन पोनी के हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से लपेट देना है। ये भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी आसानी से आप बना लोगे। इसको भी आप सूट साड़ी के साथ बना सकते हो। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल था। तो ये था इसका फाइनल लुक। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको करना क्या है, इसी बन हेयर स्टाइल को आपको इस तरीके से ओपन करना है एंड जो हमने एक बार रबर बैंड लगा के ट्विस्ट किया था उतनी ही दूरी पर दूसरा रबर बैंड लगाएंगे, दोबारा से ट्विस्ट करेंगे, फिर तीसरा रबर बैंड लगाएंगे और दोबारा से ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से तिबारा से फिर लास्ट में चौथा रबर बैंड लगाएंगे और इसी तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। ये भी काफ़ी प्यारा लगता है और काफ़ी इजीली आप इसको बना लोगे। तो इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया है, अब इसको रबर बैंड के चारों तरफ इस तरीके से लपेट लेंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके, तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, सॉरी फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया। तो ये भी हमने एक रबड़ बैंड की मदद से बना लिया। चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। इसमें तीन पतले पतले रबड़ बैंड चाहिए, ये आपको खुले बालों के लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके से बनाना है एंड इस तरीके से नीचे की तरफ से इस तरीके से सारे हेयर को निकाल लेना है। इसी तरीके से दो पोनीटेल और बनानी है एंड रबड़ बैंड लगा लेना है पतला वाला, तीसरा भी इसी तरीके से लगा लेना है एंड इन दोनों को सेंटर वाले पोनी के साथ मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये आप खुले बालों के साथ, छोटे बालों के साथ कर सकते हो, काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। जींस टॉप के साथ, वेस्टर्न ड्रेस के साथ इसको ट्राई कर सकते हो एंड थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मेकअप वगैरह नहीं किया है तो काफ़ी प्यारा लगेगा, काफ़ी ईजी है, कोई भी बना सकता है। तो चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। छठे हेयर स्टाइल में हमने इस तरीके से पोनी को बनाया था और थोड़ा लूज कर लिया था, उसके बाद इसको इस तरीके से लपेटना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से लपेटना है और थोड़ा लूज ही रखना है एंड रबर बैंड को हाइड करते हुए इस तरीके से यू पिन लगा देना है। इसको थोड़ा सा आप डेकोरेट भी कर सकते हो पार्टी बन बनाने के लिए, दो तीन चार जितना यू पिन आपको ज़रूरत हो उतने आप लगा लीजिएगा और इस तरीके से यू पिन लगा लीजिए ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो अभी चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल की तरफ। ये है इसका फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल की तरफ। सातवां हेयर स्टाइल दोबारा से मैं साड़ी बांध के आ गई हूँ एंड सातवें हेयर स्टाइल में इस तरीके से सारे बालों को कॉम करना है एंड दोबारा से एक रबड़ बैंड लगा लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा खींचेंगे, साइड से एक हॉल करेंगे, सारे बालों को इसके अंदर से इंसर्ट करके निकाल लेंगे साइड में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक यूज करेंगे क्लचर, ऐसे भी कर सकते हो बट क्लचर यूज कर लीजिएगा अगर आपके बाल कम हैं, पतले हल्के हैं। तो इस तरीके से क्लचर लगाया है और इस तरीके से
सारे बालों को अंदर की तरफ इंसर्ट करके क्लचर को यू ओपन करके लास्ट वाले पार्ट को अंदर की तरफ दबा लेंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि जल्दी खुले ना। ये भी काफ़ी प्यारा लगता है, पार्टी के लिए ट्राई कर सकते हो आप इस हेयर स्टाइल को भी। तो ये हमारा आठवां हेयर स्टाइल हो गया। तो ये है इसका फाइनल लुक, काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी इजी है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। स्टाइल में सारे बालों को एक साथ कॉम करना है, देन इसको इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ऊपर की तरफ इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। ये हमारा फ्रेंच रोल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सेल्फ में आप इजी तरीके से इस तरीके से बना सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और कम बाल में भी, ज़्यादा बाल में भी, सब में बन जाएगा ये। पतले, हल्के, लंबे, घने, सभी बालों में ये हेयर स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी प्यारा लगता है और काफ़ी ईजी है बनाना। बस अगर आप फर्स्ट टाइम हो, बैगिनर्स हो, तो आपको एक दो बार ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन बन जाएगा। तो ये हमारा नौवां हेयर स्टाइल था, जो कि बहुत आसानी से हमने बना लिया है। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आया था, तो इसको इस तरीके से फैलाएंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि लुक थोड़ा और भी अच्छा और अट्रैक्टिव लगे। तो चलते हैं दसवें हेयर स्टाइल की तरफ। दसवें हेयर स्टाइल में करना क्या है, यानी कि कुर्ती, और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ अपना हेयर स्टाइल। तो इस हेयर स्टाइल के लिए मैं ले रही हूँ एक क्लच है, और चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। सबसे पहले बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे, कॉम करने के बाद बनाएंगे दोबारा से एक पोनी टेल। तो इस तरीके से कॉम कर रही हूँ, फिर एक बनाएंगे पोनी टेल। पोनी टेल बनाने के बाद से आपको सिंपली करना क्या है, इस तरीके से पोनी बनाने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से रबड़ बैंड के साथ हेयर को निकाल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर डोनट बन लगाएंगे। जिसके भी पतले हल्के बाल हैं उनके लिए हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनके पतले हल्के बाल हैं उन लोगों तक, ताकि वो हेयर स्टाइल ट्राई कर पाए। और इस तरीके से दोनों साइड से डोनट बन को लगा लेंगे। अब सारे हेयर को नीचे की तरफ इस तरीके से करेंगे अच्छे से कॉम करके, और डोनट बन को अच्छे से हाइड करते हुए ये बन हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डोनट बन को अच्छे से हाइड करेंगे, नीचे के पार्ट्स को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यू पिन से इनको सिक्योर करेंगे। तो ये हेयर स्टाइल भी काफ़ी इजी है और काफ़ी हेल्पफुल है पतले हल्के बालों के लिए। पतले हल्के बालों में एक रबर बैंड से आज आपने 10 हेयर स्टाइल देख लिए हैं। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है इस हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। तो वीडियो आई होप कि पसंद आई हो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, प्लीज़ लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सब वीडियोज आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगे और आप लोग ट्राई कर पाएँ। और आपके फैमिली फ्रेंड भी जिनके पतले हल्के बाल हैं उनको मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके से लेयर्स निकाल लेंगे एंड ये है हमारा फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।